हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी बच्ची के लिए बना रही हूँ रात का खाना। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि आप अपने 10 मंथ ओल्ड या फिर 11 मंथ ओल्ड या फिर 1 ईयर के बच्चों को आप क्या खिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ली है 3 तरह की दाल, मूंग दाल, अरहर दाल और मसूर दाल, और थोड़ा सा मतलब बहुत ही नामात्र का मैंने चावल लिया था, और उन सबको भिगो के मैंने यहाँ पे कुकर में डाल लिया हुआ है। और इसमें मैं काट के डाल रही थी आलू, टमाटर, मिर्चा मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, नमक थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, एकदम पिंच, एकदम ना मात्र का मैं नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो मत यूज़ करिएगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि 1 साल के छोटे से बच्चों को मतलब नमक और चीनी नहीं देना चाहिए, तो आप चाहे तो यहाँ पे मत यूज़ करिएगा नमक, बट मैंने एकदम हल्का सा यूज़ किया हुआ है, और हल्दी यूज़ किया हुआ है और हींग यूज़ किया हुआ है। तो ये आप देखिए, इतना मैंने नमक एकदम थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, और हींग डाला हुआ है, हल्दी, नमक, ये तीन चीज़ें डाली हुई हैं, आलू डाला हुआ है और टमाटर डाला हुआ है। आपके पास अगर बीन्स है, गोभी है, जो भी सब्ज़ी है जो आपको लगता है कि ये बच्चे मेरे खा सकते हैं, आप उसको डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सब कुछ धुलने के बाद मैंने यहाँ पे सीटी लगा दी है, ये आप देखिए, सब कुछ मैंने डाल दिया है, टमाटर, आलू, हल्दी, नमक, हींग, सब कुछ डाल दिया है। और यहाँ पे मैं सीटी लगा के इसको लगभग बस 1-2 सीटी में, क्योंकि सारी दालें, मूंग दाल, मसूर दाल, ये सब बहुत जल्दी पक जाती हैं, 1-2 सीटी के बाद मैं इसे बंद कर, और ये देखिए एकदम रेडी हो गया है। तो और ये मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को खिलाने, और वो बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ, उसने ये बहुत ही मन से खाया भी था। तो आप ये अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं रेसिपी, और ये देखिए मैं यहाँ पे इसको खिला रही हूँ। ओके, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।